सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केंद्र किसानों से नाजायज लूट खसोट का अड्डा बनकर रह गए हैं। बावजूद इसके किसानों के साथ हो रही लूट खसोट पर जिम्मेवारों द्वारा गहरी चुप्पी साध ली गई। मामला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोरहा का है, जहां धान बेचने आए किसानों से खरीदी केंद्र संचालकों द्वारा 3 रुपए प्रति बोरी लेबर चार्ज, 30 रुपए प्रति क्विंटल फीडिंग चार्ज के अलावा 200 रुपए अलग से प्रति किसान अवैध वसूली की जा रही। वहीं ग्राम पंचायत पालदेव अंतर्गत नौबस्ता से धान बेचने खरीदी केंद्र पहुंचने किसान सुरेश कुमार पटेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 3 रुपए प्रति बोरी तुलाई लेबर चार्ज, 30 रुपए प्रति क्विंटल फीडिंग के अलावा 200 रुपए अलग से लिए जा रहे हैं। वहीं किसान बड़कूराम द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कुल 74 बोरी धान खरीदी केंद्र में बेचा गया, जिसके बदले में खरीदी केंद्र संचालकों द्वारा उससे 5,000 रुपए वसूल किए गए। धान खरीदी केंद्रों में खुलेआम की जा रही इस अवैध लूट खसोट की जानकारी प्रशासनिक स्तर पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी है, बावजूद इसके सभी के द्वारा चुप्पी साध ली गई है। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए कि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केंद्र सरकारी लूट खसोट का अड्डा बनकर रह गए हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फीड करवाने आए थे, धान बेचे थे, हम धान फीड कराने आए थे, तो 3 रुपए बोरी तौलाई लेते हैं, 30 रुपए कुंटल प्रति कुंटल उसका लेते हैं फीडिंग का, और 200 रुपए अलग से चार्ज कह रहे हैं कि फीडिंग चार्ज है। ये 30 रुपए कुंटल हो गई तौलाई, 30 रुपए कुंटल तौलाई हो गई, 3 रुपए प्रति बोरी लेबर चार्ज ले गया, लेबर चार्ज तौलाई हो गई, 200 रुपए का कौन से नाम से लेते हैं? 200 रुपए फीडिंग का लेते हैं, फीडिंग का जी। ठीक है, नाम पता क्या है आपका? सुरेश कुमार पटेल। पता पालदेव नौबस्ता, किसानपुर भी है हमारे पास। नहीं, ठीक है।